उधर देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब रोजाना 3 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। और ऐसे में बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भारी किल्लत नजर आ रही है। और यहां राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है और शनिवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए। और बीते 24 घंटों में दिल्ली में रिकॉर्ड 357 मौतें हुई और अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 332.27 हो गया और फिलहाल राजधानी में 93,080 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए और बीते 24 घंटों के दौरान 16,731 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और शनिवार को छत्तीसगढ़ में कोरोना से 203 लोगों की मौत हुई। और सबसे ज्यादा गंभीर बात तो ये है कि 2,138 नए मामले राजधानी रायपुर में सामने आए और यहां 46 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में शनिवार को 2,000 से ज्यादा केस सामने आए। और वहीं वाराणसी की बात करें तो जहां बीते 24 घंटों में 2,168 नए मामले सामने आए और 10 मौतें भी हुई। वहीं प्रयागराज में 2,054 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसी के साथ 13 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। और अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटों की बात करें तो यहां 676 लोगों की मौत हुई, यानी कि अब हर घंटे 28 संक्रमितों ने कोरोना से हार कर दम तोड़ दिया और फिलहाल 6,94,480 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।